नमस्कार दोस्तों, आकाश इंडियन किसान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी फूल गोभी की नर्सरी है। फूल गोभी की नर्सरी में अधिकतर कर किसान भाइयों की ये दिक्कत रहती है कि फूल गोभी की नर्सरी किस तरह से हरी भरी रखी जाए, इसके बारे में बात हम करेंगे। लेकिन जो है कि आप किस मौसम पर आधारित है, कहां पर कैसा मानसून है, इसके बारे में आपको अपने यहां के अनुसार चलना पड़ता है दोस्तों। लेकिन जो हम आप लोगों को दवा बताएंगे, उससे आपको 90% जो है कि आपको देखने का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, चलो हम दवा का नाम बताएंगे और टंकी में कितना पड़ता है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, टंकी में लगभग 2 लीटर पानी है और देख सकते हैं जो कि 2 लीटर के लगभग में पानी है और 2 चम्मच के लगभग में यह कार्बेंडाजिन लेते हैं। ये कार्बेंडाजिन जो है दोस्तों, नर्सरी को एकदम बिल्कुल हरा भरा कर देती है और जो अन्य प्रकार के कीट और रोग आने वाले होते हैं, उससे ये कार्बेंडाजिन से हमें छुटकारा मिलता है किसान भाइयों। और हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्बेंडाजिन कीटनाशक के लिए और आपके नर्सरी में जो फंगीसाइड है उसके सभी तरह के कीटों के लिए ये उपयोग की जाती है। और दोस्तों, चलते हैं हम अपने नर्सरी के पास, कैसे इसे स्प्रे करते हैं। दोस्तों, हम नर्सरी के पास अपने आ चुके हैं और ये पौध देख रहे हैं, छोटी छोटी पौध है और ये दवा डालना चालू कर दिए हैं। और इस तरह से आप दवा के स्प्रे कर सकते हैं और एक जगह नहीं, हल्के हल्के स्प्रे करना होता है दोस्तों, जिस कारण से आपकी नर्सरी पर ज़्यादा दवा ना पड़े। और इसी तरह से आपको दूसरे दिन ज़रूर से ज़रूर स्प्रे करनी चाहिए, जिस कारण से आपकी नर्सरी हरी भरी रहेगी और आपकी नर्सरी पर कीट का प्रकोप नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।